रायबरेली जिले के बहराना में 1 जनवरी को मारपीट के बाद फिर मारपीट की जमीनी हकीकत। शहर कोतवाली क्षेत्र के बहराना मोहल्ले में 2 दिन पूर्व हुई मारपीट की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से रविवार की शाम पुनः मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर बीच बचाव करने पहुंची महिलाओं को भी दबंगों ने अपने लातों जूतों से मारा पीटा। वहीं दूसरी तरफ मामले में पुलिस की उदासीनता के कारण उस पर भी पक्षपात के आरोप लगातार बरकरार हैं, लेकिन अभी तक विवाद को सुलझाने की कोई पहल नहीं की गई। वहीं मौके पर शांति व्यवस्था को लगातार खतरा बना हुआ है। खुद पुलिस अधिकारी विवाद को जानते हुए वहां पर लगातार गश्त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को महिला के साथ छेड़खानी शुरू होने के बाद इस विवाद में शुक्रवार को 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी के बाद पीड़िता पक्ष की ओर से मामले की तहरीर कोतवाली में दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीर विवाद में 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी लगातार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते रहे, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं शाम को कोतवाली पहुंच गईं और कार्रवाई की मांग करने लगीं। इसी से नाराज होकर घटनास्थल पर फिर से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और इस दौरान मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है? हमारा नाम रवीना है, हम समीर की पत्नी है। समीर वही है जिनके चोट ज्यादा लगी हुई है। चंदन लोग ने हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ छेड़छाड़ की, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, और मैं यहाँ से लेके कोतवाली तक मैंने एप्लीकेशन दी, जो कि मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। मुझसे कहा जा रहा है कि अपना बयान बदल दो। ये किस वजह से मेरा बयान बदल? अभी मेरे घर पे आके संदीप प्रदीप सब लोग चढ़ाई करके मार के गए हैं, कुछ लेडीजों को भी मारा है, और अभी उनके चोट ज्यादा है, वो अस्पताल गए हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बस मुझे इंसाफ मिले, पुलिस वाली मेरी रिपोर्ट लिख के मुझे दे। मेरा बयान क्यों बदलाया जा रहा है? ये झगड़ा कब से चला, क्यों हुआ ये 1 तारीख से झगड़ा है? किस लिए? जहाँ हम लोग अपने घर का फंक्शन में जा रहे थे तो मुझे चंदन ने छेड़ा, बोला डार्लिंग तुम कहाँ जा रही हो, तो मेरे दुपट्टे साथ जबरदस्ती करने लगे मेरे साथ। मेरे हस्बैंड को मुझसे ऐतराज हुआ, तो जब मेरे हस्बैंड बोले हैं तो उनको उसका भाई आया रोहित, उसने उसके सर पे कुल्हाड़ी मार दी। तो मैं चिल्लाई कि बचाओ मेरे हस्बैंड को, ये लोग मार रहे हैं। तो वहाँ पे एक लड़का आया जिसका नाम अकबर था, उसको भी उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से ही मारा, जो आज भी बीमार है, अभी भी उसी हाल में पड़ा हुआ है। आज पुलिस क्यों आई थी? पुलिस इसलिए आ रही है कि मुझसे बयान बदलवाने के लिए आ रही है बार बार कि मैं बयान बदल दूं। उन लोगों की सुनवाई इसलिए ज्यादा हो रही है कि वो बीजेपी की तरफ से है, वो उनके आदित्य सिंह की तरफ से है। पुलिस आपसे बयान बदलवाने कह रही है? जी, वो कह रही है कि अपना बयान बदल दो, कुछ भी उल्टा सीधा लिखवा के हल्का फुल्का केस करवा दो। पर जो मेरे साथ हुआ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरा इंसाफ हो, मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, मैं उसी की बात पे अटल हूँ। सर, एक घायल आया, क्या है मामला, कैसी स्थिति है उसकी? एक हमारे पास संदीप नाम का पुलिस कोतवाली से आया है, एक पेशेंट केस है, मेडिकल पुलिस लेके आई है और उसका भी मेडिकल कर दिया गया। उसके सिर पे काफ़ी चोटें हैं, जिसमें से कुछ भाग गहरे भी हैं, और क्योंकि उसकी स्थिति को देखते हुए उसको भी एडमिट किया गया है और सिटी स्कैन के लिए एडवाइस कर दिया गया है, बाकी एडमिट करके सर्जन कॉल कर दिया गया। अभी मरीज की स्थिति कैसी है? अब तो स्टेबल लग रहा है, सिटी स्कैन से बाकी डिसाइड होगा क्या होगा। रायबरेली से UP24 न्यूज़ के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।